3 सितंबर को सीएम केजरीवाल दिलाएंगे शपथ, भाजपा खेमे में मची खलबली। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर और राष्ट्रीय सह सचिव चौधरी निर्मल सिंह ने गुरुवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चौधरी निर्मल सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 सितंबर को भिवानी में आएंगे। इस दौरान वे सर्कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि भिवानी में ये शपथ ग्रहण किसी जनसभा से कम नहीं होगा। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि बुधवार को ही 1400 पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिनमें 1368 सर्कल इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने 5 वार्ड और 5 गांव पर एक सर्कल इंचार्ज बनाने का काम किया है। 3 सितंबर को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सर्कल इंचार्जों को शपथ दिलाने के लिए भिवानी पहुंच रहे हैं। ये शपथ ग्रहण अपने आप में ऐतिहासिक होगा। आम आदमी पार्टी प्रदेश में तेजी से एक मजबूत संगठन का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक हरियाणा में 4000 पदाधिकारियों की घोषणा हो चुकी है, जिनकी नियुक्ति 3 चरणों में की गई है। आम आदमी पार्टी में जमीन से जुड़े लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा का सबसे बड़ा संगठन तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि पहले पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन संदीप पाठक ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई थी। उसी समय ये बात हुई थी कि जब गांव या सर्कल तक संगठन पहुंचेगा तो उनको अरविंद केजरीवाल शपथ दिलाएंगे। आम आदमी पार्टी बहुत जल्द गांव और बूथ स्तर पर भी कमेटियों का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि लोगों की लड़ाई वही लड़ सकता है जिनके पास संगठन और सेना होती है। प्रदेश में अगले 2-3 महीने में सबसे बड़ी सेना आम आदमी पार्टी की होगी। इसके अलावा उन्होंने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी भाई अपनी बहनों की सुरक्षा करें, क्योंकि सरकार बहन बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई है। रक्षाबंधन के दिन सरकार ने यमुनानगर में एक बहन की हत्या कर दी। उस परिवार के प्रति भी आम आदमी पार्टी की संवेदनाएं हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ पार्टियां आम आदमी पार्टी की नकल करने में लगी हुई हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को ओरिजिनल चाहिए, न कि फोटोकॉपी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।